अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जेंटल सिरप के बारे में, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी डोजेस के बारे में बात करेंगे और ये कौन से बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं। डिटेल में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलिए बात करते हैं जेंटल सिरप में। जेंटल सिरप में जो कंपोजिशन पाई जाती है वो है एल्बेंडाजोल, जो कि बच्चों के पेट में कीड़े जो बन जाते हैं, वर्म जो बन जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये 44 का जो है वो आपको हर फार्मेसी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों की कौन सी कंडीशन में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। सबसे पहले तो बच्चे का अगर रंग पीला है, पेट फूल जाता है बच्चे का, भूख ज़्यादा लगती है, बच्चा रात को सही तरीके से सो नहीं पाता, इस कंडीशन में भी ये सिरप इस्तेमाल करवाते हैं। अगर बच्चा मिट्टी खाता है या नीचे से जो भी चीज़ पकड़ के, जो भी चीज़ पड़ी हो वो पकड़ के मुंह में डाल लेता है, उस कंडीशन में भी बच्चे के पेट में अक्सर कीड़े बन जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, इस कंडीशन में भी ये बच्चे को इस्तेमाल करवाते हैं सिरप। और कुछ बच्चों में मीठी चीज़ें खाने की वजह से भी ग्लूकोज जो बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर बच्चे के पेट में कीड़े बन जाएँ तो बच्चा रात को तंग करता है, सही से सो नहीं पाता, बच्चे की रंगत पीली हो जाती है। इस कंडीशन में जब कीड़े हो बच्चे के पेट में तो पेट फूल जाता है, भूख ज़्यादा लगती है, और जब बच्चा स्टूल पास करता है तो स्टूल के साथ जो है वो कीड़े भी निकल आते हैं, कीड़े भी निकलते हैं। यानी कि जब ये बच्चों के पेट में कीड़े बन जाएं, किसी भी वजह से कीड़े बन जाते हैं, मिट्टी खाने की वजह से या कोई मीठी चीज़ें खाने की वजह से या कोई ऐसी गंदी चीज़ खा लेने की वजह से भी कीड़े बन जाते हैं, उस कंडीशन में ये सिरप बच्चों को इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम है उनको आपने हाफ़ सिरप लाना है, यानी कि 5 ml, ये टोटल होता है 10 ml। 10 ml जो है वो आपने, और जिन बच्चों की उम्र 2 साल से ज़्यादा है वो 10 ml, यानी कि ये पूरा सिरप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है, वोमिटिंग आ सकती है, मोशन वगैरह लग सकते हैं, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये था आज का रिव्यू जेंटल सिरप का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया करें तो लाइक शेयर लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के